ओम शांति। अब घर जाना है तो यही तात लगी रहे कि संपूर्ण संपन्न कर्मातीत बनना ही है। कर्मातीत अर्थात कर्म से अतीत नहीं बन जाना, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से, कर्म के फल से, कर्म के आकर्षण से न्यारे और प्यारे रहना। कर्मातीत बनने का आधार ही है अशरीरीपन की अवस्था। जितना जितना स्वयं को इस पांच तत्वों से, इस पांच तत्वों की देह से, इस पांच तत्वों के आकर्षण से उपराम कर लेंगे, सुख सुविधा के साधनों से न्यारा बना लेंगे, संबंध संपर्क से न्यारा बना लेंगे, अपने हिसाब किताब को चुकतू कर खुद को फ्री, हल्का, लगाव मुक्त, लाइट माइट बना लेंगे। यही आधार होगा कर्मातीत बनने का, क्योंकि बाबा कहते हैं जो बच्चे कर्मातीत बनेंगे वे फिर इस देह में रह नहीं सकते, वे अव्यक्त वतनवासी फरिश्तों के समान बन जाएंगे। तो सदा खुद को यह स्मृति दिलाते रहना कि अब घर जाना है, मैं मेहमान आत्मा हूं, मुझे पिता परमात्मा ने सृष्टि परिवर्तन का श्रेष्ठ कर्म देकर इस धरा पर अवतरित किया है। तो स्व का परिवर्तन करना, साथ साथ विश्व का परिवर्तन करना, यही श्रेष्ठ कर्म करके हमें वापस घर जाना है। जैसे कि अब परिस्थितियां बता रही हैं कि समय नजदीक है, घर जाना है, संपूर्ण संपन्न बनकर बाबा के साथ, बाबा के समान बनकर जाना है। जिस प्रकार हम देखते हैं हलवा बनाने पर, जब वह कंप्लीट पक जाता है तो किनारे छोड़ देता है, इकट्ठा हो जाता है, ऐसे ही बाबा कहते अब स्वयं को सिकुड़ लो, जितना विस्तार किया था अब सार में आ जाओ, खुद को बिंदु आत्मा अनुभव करो, एक बिंदु बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करो, एक बिंदु बाप से ही सर्व प्राप्तियां करते रहो, तो जल्द ही संपूर्ण संपन्न कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। कर्मातीत बनने के लिए बाबा कहते अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाते चलो, शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन, कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे, यह बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। कर्मातीत बनने के लिए कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त बनो, सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवादारी नहीं बनो, बंधन मुक्त बन सेवा करो, अर्थात हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त बनो। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त होना। जैसे जोर शोर की सेवा द्वारा
संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप ला रहे हो। ऐसे अब स्वयं को संपन्न बनाने का भी प्लान बनाओ। अब धुन लगाओ कि कुछ भी हो जाए, कर्मातीत बनना ही है। इसकी डेट अब बाबा कहते फिक्स करो, क्योंकि प्रकृति भी रास्ता देख रही है कि कब मेरे मालिक संपूर्ण संपन्न बने और इस दुनिया का परिवर्तन कर दें। प्रकृति मौका तलाश रही है कि मेरे मालिक जैसे ही संपूर्ण संपन्न बनेंगे, वैसे ही बचे हुए कार्य को प्रकृति कर देगी। तो जैसे जैसे समय नजदीक आता जाता, प्रकृति भी परिवर्तन को तीव्र करती जाती। अब कर्मातीत बनने के लिए सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो, विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो और सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। बाबा कहते बहुत काल अचल अडोल, निर्विघ्न निर्बंधन, निर्विकल्प निर्विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी और निरंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने का अभ्यास करो, विशेष अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास प्रत्यक्ष करा, अनुभव सभी को कराया, सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की, ऐसे फॉलो फादर करो। कर्मातीत अर्थात कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को खींच ना ले, जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और करने वाले निमित्त बनकर हम कर रहे हैं। यह अभ्यास बढ़ाओ तो संपन्न कर्मातीत सहज ही बन जाएंगे। कर्मातीत बनने के लिए बाबा कहते चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में सेवार्थ भाव से मुक्त कहां तक बने हैं। जब कर्मों के हिसाब किताब व किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बनेंगे, तब कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी सेवा संगठन प्रकृति की परिस्थिति स्व स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग ना करे, इस बंधन से भी मुक्त, यही कर्मातीत स्थिति की समीपता है। पुरानी दुनिया में पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में न लावे। स्वचिंतन ज्ञान चिंतन शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन
कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए, आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे, कराने वाला बन कर्म कराना, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं। पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन हिसाब चुकतु कराते, कर्म योगी बन कर्म योग द्वारा कर्म भोग चुकतु करना, यह है कर्मातीत स्थिति की निशानी। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बन कार्य करो। साक्षी अर्थात सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में रहे, कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म कराने वाली अलौकिक आत्मा हूं, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूं। यह नशा रहे कर्म करते, यही अभ्यास बढ़ाते रहो तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर ही लेंगे। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। ब्रह्मा पाप समान अब हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ, इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। बाबा कहते कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्म योग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। यह कर्म योगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी स्थिति है। तो जैसे जैसे समय नजदीक आता जाता, हम बच्चों को भी संपूर्ण संपन्न बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ का इशारा देता। अब समय आ गया घर जाने का, बाबा के भी घर जाने का समय है। तो स्वयं को संपूर्ण संपन्न बनाकर, बाप समान बनाकर, बाबा के समीप रहकर, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करना, बाबा को सदा अपने साथ रखना, बाबा के हाथ में हाथ देकर रखना, क्योंकि बाबा कहते हैं अब अशरीरी बन जाओ, अशरीरी बनने से ही तुम बाप समान बनकर बाप के साथ घर जाने लायक बन सकेंगे। तो यही स्थिति कर्मातीत स्थिति होगी, घर जाएंगे बाबा के साथ इसी स्थिति को प्राप्त करने के बाद। अच्छा, ओम शांति।